नमस्कार दोस्तों, मैं कपिलेश शर्मा, SNN 7 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मणिपुर की घटना को लेकर जयस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर किया विरोध प्रदर्शन। ठिकरी, आज शुक्रवार जयस संगठन के द्वारा ठिकरी में विशाल रैली निकालकर मणिपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली घोलियां होकर नगर ठिकरी के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए तहसील कार्यालय पहुंची। रैली में जयस के कार्यकर्ताओं द्वारा अर्धनग्न होकर केंद्र सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाकर मणिपुर में हुई घटना को लेकर राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ठिकरी तहसील में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जयस कार्यकर्ता व महिला भी शामिल हुई। वहीं जयस के ठिकरी ब्लॉक अध्यक्ष सुनील सिसोदिया ने मीडिया को बताया कि ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। मणिपुर जैसी घटनाओं पर ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ठिकरी। क्या नाम आपका? सुनील सिसोदिया, जयस ठिकरी ब्लॉक अध्यक्ष। आज जो ये विरोध प्रदर्शन, क्या इस बारे में क्या कहेंगे? आज युवाओं ने, जब हमारी मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, इसलिए युवाओं ने, हम सब ने मिलकर अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार को ये बताया कि अगर सरकार आने वाले समय में अगर हमको सुरक्षा प्रदान या हमारे साथ भेदभाव बंद नहीं करती है तो हम आक्रोश रैली निकालेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। यदि सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आगे जयस का क्या रुझान रहेगा? अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो पूरे देश में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, पूरे भारत देश को बंद किया जाएगा और मणिपुर में शांति बहाल करना ही होगा। मणिपुर में 3 महीने से हमारे आदिवासी बहनों के साथ में बलात्कार हो रहा है, उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। आज तक 190 लोग मारे जा चुके हैं। 60,000 परिवार अपना घर बार जल जंगल जमीन छोड़कर वहाँ से भागने के लिए मजबूर है और केंद्र की मोदी सरकार और मणिपुर की भाजपा सरकार चुप है, ना आदिवासियों को कोई सुरक्षा प्रदान कर रही है। आज उनके खिलाफ में, केंद्र सरकार के खिलाफ और मणिपुर की सरकार के खिलाफ में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें मणिपुर सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ ऐसे नारे लगाए गए, उनको जगाया गया कि देश में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है और मोदी जी ऐसी घटनाओं पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हमने तहसीलदार महोदय को, राष्ट्रपति महोदय के नाम से, तहसीलदार महोदय को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और मणिपुर में तुरंत शांति बहाल की जाए, ये मांग।